नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। करवा चौथ पर जिला कारागार में समाज सेवियों द्वारा करवा चौथ का सामान वितरण किया। खबर मथुरा से है। 20 अक्टूबर को भारत में पति की लंबी उम्र के लिए पूजा व्रत करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उन्हीं में से एक सबसे लोकप्रिय परंपरा है करवा चौथ। ये जो पर्व है जिसमें सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। कुछ समाज सेवियों ने मिलकर मथुरा जिला कारागार में 55 महिलाओं को, जिनमें 35 महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी, उनको करवा चौथ की सामग्री वितरण की, जिसमें मिट्टी का करवा, चाशनी मीठा करवा, सिंक, कैलेंडर, साड़ी सहित श्रृंगार का सामान वितरण किया। शेष अन्य महिलाएं उनको सूट वितरण किए गए। समाज सेवियों का डिप्टी जेलर सुश्री करुणेश ने पटका डालकर सम्मान किया। मथुरा जिला कारागार अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि करवा चौथ पर 35 महिलाएं जो अपने पति की लंबी उम्र की लिए व्रत रखेंगी, समाज सेवियों के कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। समाज सेवियों में दिव्य शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष नीलम गोस्वामी, सत्यम सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष सत्यवती चौधरी, सोनम सिसोदिया, हरेंद्र चौधरी सहित पार्षद अभिजीत चौधरी के सहयोग से जिला कारागार में निरुद्ध बंदी महिलाओं को सामान वितरण किया गया। मथुरा से संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादून की रिपोर्ट। सामान करवा चौथ का, जो सुहागनों का जो भी सामान होता है करवा चौथ का, वो सब वितरण किया है। जैसे साड़ी है, करवे हैं, खान की करवे हैं, तो अपने अपनों के साथ तो हर कोई खुशियां बांटना चाहता है, मनाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के, जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियां बांटने में कुछ अलग ही आनंद की विभूति होती है। तो जो लोग यहाँ पर अंदर रह रहे हैं उनसे क्या आपने अपील की कि वो यहाँ से जाकर बहुत अच्छा जीवन बाहर जिए? उनसे यही अपील की है कि देखो, जो होना था वो तो हुआ है, लेकिन कुछ अच्छा सीख के जाएं और आने वाले कल में कुछ अपना ऐसा अच्छा काम करें जिससे कि हमें जो पीछे के कर्म है उनका कोई पछतावा नहीं हो, और आगे हम सबको यही प्रेरणा दें कि कोई गलत काम ऐसा नहीं हो हमसे के जिसके लिए हमें। श्री माँ दिव्य शक्ति फाउंडेशन की तरफ से आज हम लोग यहाँ जिला कारागार में आए हैं, और यहाँ हम सभी ने, जो महिलाएं हैं, महिला कैदी जो व्रत करती हैं, उनको सामान नहीं मिल पाता, तो हमने वो सामान पूजा का या साड़ी श्रृंगार, करवे मीठे, मिट्टी के सीख, कैलेंडर वगैरह जो भी उनके पूजा में सामग्री लगती है वो सभी हम मुहैया कराई है, और सभी के चेहरे वो सामान को देख के खिल उठे थे। सभी बहुत प्रसन्न थी महिलाएं, तो उस सबको देख के हमें एक अच्छा सा एहसास होता है कि हाँ, हमने भी कुछ अच्छा कर लिया। और इसके साथ ही हमने वहाँ रहने वाली सभी, मतलब जो भी महिला बंदी हैं, उनसे अपील भी की कि भाई, जिससे जो गलती हो गई वो तो हो गई, लेकिन आगे कोई ऐसा काम ना करें, अपनी सजा पूरी करके फिर बाहर निकल के सब अच्छा जीवन यापन करें, अपने लिए, समाज के लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें। जो संस्था ने जो हमने आज वितरण किया है, जो भी पूजा की सामग्री, और ये साल का सबसे बड़ा त्यौहार है हम महिलाओं का, और हमारे पास तो अमूमन ये सब होता है, लेकिन किसी भी कारणवश, दुर्भाग्यवश अगर वो यहाँ पर आ गई है, तो इसलिए आज हमने सोचा कि उनको पूजा का सामान दे दिया जाए, साथ में उनकी खुशी हम भी बात रहे हैं, उनके भी साथ में खुशी। और कई परिवार ऐसे हैं, कई महिलाएं ऐसे हैं जहाँ पे दोनों लोग हैं, तो उन दोनों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। पर यह है कि हम यही कहना चाहेंगे उनसे कि आगे अपना, जब भी उनकी सजा पूरी हो जाए तो अपना आगे चल के अपना जीवन अच्छा अपने यापन करें और शांति में जीवन लिए। देखिए, कल करवा चौथ का व्रत है, तो इसमें हमारे यहाँ कारागार में कुल 55 के अराउंड महिलाएं बंद हैं, तो इसमें महिलाओं में एक उत्साह है, और उत्साह में वो अपने जो है उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे मेहंदी लगाना, नाचना गाना, ये सब भी है। इसके साथ साथ कुछ महिला स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो हमारी महिलाओं को, उन्होंने आज इस पर्व पर साड़ियां और अन्य जो करवा चौथ का सामान होता है वो डोनेट किया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। और हमारा बस यही है कि जो आगे से आगे आने वाले समय में भी हमारा समाज सेवी संस्थाएं इसी तरीके से हमसे जुड़ती रहें, और हमारे बंदियों के जो भी भलाई के कार्य चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहें।